सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। पाली जिले के जयपुर अहमदाबाद NH 162 पर सांडेराव के निकट लापरवाही के चलते घातक हादसा हो गया। सांडेराव कस्बे से 3 किलोमीटर पहले मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। कंपनी की टीम 100 फीट लंबे पाइप को हाइड्रोलिक मशीन के जरिए खड्डे में डाल रही थी, लेकिन पाइप हवा में लहराता हुआ वहां से गुजर रही निजी ट्रैवल्स की बस में घुस गया। हादसे में बस में बैठी एक महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और एक युवक का सिर फट गया। इसके अलावा 13 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंच गई। सब को बाहर निकाला गया। घायलों को सांडेराव अस्पताल लाया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे को फिर से चालू कराया। बताया जा रहा है कि चलती बस में जैसे ही पाइप घुसा और महिला का सिर धड़ से अलग हुआ, मुसाफिरों में हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए और किसी भी तरह बस से निकलने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने बताया कि काम के समय रोड को एक तरफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। 4 दिन पहले पुलिस ने इसी कंपनी के JCB और ट्रैक्टर को हाईवे पर गलत तरीके से खड़े रहने के कारण जब्त कर लिया था। इसके बावजूद कंपनी लापरवाही बरतती रही। तो ऐसे ही दर्जनों हादसे हाईवे और सड़कों पर देखने को मिलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो ऐसे ही दर्जनों हादसे हाईवे और सड़कों पर देखने को मिलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।